तो गाइस सुप्रभात, कल मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया और मेरी फोन की बैटरी ज्यादा नहीं रुकती है तो फिर। और ये देखिए गाड़ी आ चुकी है, फिर से स्वागत है आप लोग का, आप सभी लोगों का। और अभी हम लोग देखिए आपको बैठे हुए गाड़ी में। सो फ्रेंड्स, हमने अभी जस्ट यात्रा प्रारंभ की है। आज अभी हम लोग बनारस के लिए निकल रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। श्रावण का मौसम चल रहा है तो हम लोगों का अचानक प्लान बन गया कि चलो बनारस चलते हैं। पिछली बार हम लोग नवंबर 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब बनारस गए थे और उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं मिला। फिलहाल लगभग 3 साल हो गए हैं तो आज अचानक मौका मिला तो हम लोग तुरंत बनारस के लिए निकल रहे हैं। और अभी हम लोग गाड़ी का हवा वगैरह चेक करवा रहे थे। सो आप लोग जुड़े रहिए और हमारी यात्रा हमारे साथ इंजॉय करें। तो भाई अभी हम लोग पहला नाश्ता करने के लिए रुके हैं। पांच बालू शाही, पांच चाय। लता मंगेशकर भजन संध्या। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने बीकापुर टोल प्लाजा क्रॉस किया, आगे का रास्ता बंद था, हाईवे बंद था तो हम लोग रुके हुए थे रास्ता डिस्कस करने के लिए कि किस रूट से चलें। और हमको जानकारी थी नहीं कि हाईवे कैसे पकड़ा जाए तो फिर हम यहाँ पर रुककर और बाहर दो लोग डिस्कस करने के लिए कौन सा हाईवे पकड़ा जाए। फिर हमने पूछा एक आदमी से, उसने हमें बताया कि पहले लंबुआ जाओ फिर हाईवे मिलेगा आपको। भाई मिंटू भाई भी इधर हैं, देखते कैसे खड़े हुए हैं कमर पर आकर के। अभी इन्होंने हाथ उठा लिया है। और अभी हम गाड़ी की पार्किंग के लिए आए हैं तो यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग बनी हुई है। आगे का रास्ता ब्लॉक है, गार्ड सब पहले जाने देते, अब नहीं जाना पड़ा है तो अब यहीं पर गाड़ी खड़ी होगी। और ये हमारे सामने वाली गाड़ी आ रही है इधर जस्ट। अरे भाई
घुमाई है ना तो रुकी है ना। तो गाइस पार्किंग के लिए हम लोग आ चुके हैं। कई रुपए पार्किंग है? 260 रुपए भाई के रूल की अपने मन। अरे यहाँ पे किसी को भेजो यार, क्या हुआ? काम करते तब का पर्चिन निकाला क्या? और कौन काम है? पर कोई भी मशीन चार्ज नहीं है। तो गाइस हमारी पार्किंग यहाँ पे लग चुकी है और पार्किंग में अभी हम खड़े हैं और देखिए बहुत ही बड़ी पार्किंग है यहाँ की, काफी ज्यादा सुविधा, अंडरग्राउंड पार्किंग है जमीन के नीचे। और ये गाड़ी हमारी पार्किंग में लग गई यहाँ पर, चारों तरफ पार्किंग ही पार्किंग। देखो आराम से, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं बनारस की गलियों में और हमने कार वगैरह पार्क कर दी है। अभी धीरे धीरे हम लोग घाट की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हमारा घाट है जो दशाश्वमेध घाट है और उसी के पास हम लोग चल रहे हैं। पहले तो हम लोग आरती देखने का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग होटल वगैरह लेके फिर रुकेंगे उसमें। सो फ्रेंड्स हम लोग लगभग 6 बजे बनारस पहुंच गए थे गाड़ी वगैरह खड़ी करके। हम लोग पहले तो घाट जाना था गंगा आरती देखने के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे उधर की तरफ निकल रहे थे दशाश्वमेध घाट की तरफ। और शाम को काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सावन का महीना चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, फॉरेनर्स और साउथ इंडियंस अपने इधर के लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग ही थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग भी इधर उधर चारों तरफ का आनंद लेते हुए धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ने लगे। और गाइस यहाँ की सुंदरता जो दिख रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है घाट्स। और मौसम इतना ज़बरदस्त था कि क्या बताएं, थोड़ी सी भी धूप नहीं थी और पूरे दिन ही धूप नहीं थी। जब से हम लोग यहाँ से चले थे धूप थोड़ी भी है ही नहीं थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और यहाँ पर एंकरिंग हो रही थी, भाई साहब कुछ सवाल पूछ रहे थे तो भाई साहब उसका उल्टा ही जवाब दे रहे थे, तो उनसे पूछ रहे थे कि एंकर आप हैं या मैं हूँ। और यहाँ पर देखिए कोई होटल था, उदीपी टू मुंबई, बहुत ही ज़बरदस्त होटल था, घाट के किनारे ही था। और अभी हम लोग जस्ट घाट पे पहुंच चुके थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जैसे ही मैंने भीड़ को देखा मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि हमारा गंगा आरती जो देखने का प्लान था वो मनीमन कैंसिल हो रहा था धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण। आप लोग भी देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और पानी का जलस्तर भी बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ थी, बिल्कुल गेट तक पानी थे। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो जहाँ पर बोट्स वगैरह खड़ी हैं वहाँ तक पानी था, उसके नीचे पानी था, हम लोग काफ़ी अच्छे से नहाए थे। लेकिन अब की बारिश का मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ थी और जितनी भी सीट्स वगैरह थी बोट्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो गए थे, मतलब पक्के हो गए थे, सभी लोग भर गए थे। और हमारा यहाँ पर पोपट हो गया, हम लोगों का जो प्लान था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया। और जो वहाँ के लोग थे वो बालकनी का सीट्स वगैरह के 300-300 रुपये मांग रहे थे, तो हमने आरती देखने का प्लान कैंसिल कर दिया। और आरती वहाँ से बगल में दूर हो रही थी तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया और वहाँ से लौट चले। हमने सोचा कि चलो होटल वगैरह लेते हैं और वहीं पर आराम करते हैं, फिर सुबह जल चलाने के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड्स घाट से निकलने के बाद हमने काफ़ी सारे होटल्स वगैरह देखे लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं आया और होटल्स काफ़ी महंगे मिले थे। ये होटल हमने देखा तो इसमें 5 लोग एडजस्ट नहीं हो सकते थे। बाकी फिर हम इस होटल में आए और हमें इसका कमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और रेट्स भी हमारे अच्छे थे, एसी रूम था, तो हमने इसको जल्दी फाइनल करा लिया और हमने सारी डिटेल्स वगैरह दे दी और पेमेंट भी कर दिया। सो गाइस ये हमारा रूम, यहाँ पर बनिया डबल बेड मित्रा जी पीछे से लगी हुई है।
मैं लगी 3-4 लाख रुपया। तो फ्रेंड्स अभी शाम का समय है, लगभग 7:30 और अभी हम नहा के तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने टहलने के लिए, खाना वगैरह खा पी के फिर लोग आते हैं। तो अभी मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, लिफ्ट आ जाए हमारी और मिश्रा जी तैयार हो जाए फिर चलते हैं। और गाइस ये है हमारा रूम और यहाँ इसका बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है और शावर चला के मैंने आया था। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, समय हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इधर तो काफ़ी ज़्यादा लाइट नहीं है, लेकिन पीछे जो था जो बनारस की गलियां है घाट में वहाँ पर मुझे घाट की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें बहुत सारी लाइटें थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। दे दो ना 100 ग्राम, क्या दिक्कत थी। तो गुरु अभी हमें बनारस की गलियों में भटक रहे हैं यहाँ पर महादेव की तलाश में। ये हमारा खाना दाल सलाद आलू सोयाबीन पता नहीं पनीर चावल। तो गाइस अभी मस्त खाना पीना हो चुका है और खाना बढ़िया था वैसे, पहले उसने 80 रुपये शायद बोला था, मैंने ध्यान से सुना नहीं, उसके बाद 120 कहा, शायद 120 बोला था लेकिन हम लोगों ने सुना नहीं। तो मत खाना खा के और अभी चल रहे हैं रूम की तरफ और यहाँ पर काफ़ी चाट भंडार है। काशी का मशहूर का चाट भंडार है। बस ऐसे चलो, मन कार्ड लगा दो एटीएम काम दो।